हेलो यूनिवर्स, माय नेम इज़ राहुल एंड यू आर वॉचिंग रेसल टॉक। इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे आज की रो के शो के बारे में, कैसा था, अच्छा था, बुरा था और कौन कौन से ऐसे मैचेस हुए आज की मंडे नाइट रो के में, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आज की वीडियो शुरू करते हैं। शो की शुरुआत होती है केविन ओवन से। केविन ओवन आते हैं, उसके बाद मोजो राली भी आते हैं। मोजो राली बात करते हैं 2 हफ्ते पहले कि तुमने मेरे पर स्टील पाइप से अटैक किया था, तो कहते हैं कि जिस बंदे के पास स्टील पाइप हो वो अपने आप को बड़ा ही समझता है। और वो बात करते हैं केविन ओवन के बारे में कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। केविन ओवन कहते हैं अगर सच में तुम मेरी प्रॉब्लम को जानना चाहते हैं तो आओ एक मैच रेसल कर लें। वैसे भी हमारा एक मैच कन्फर्म हुआ है, नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच। फिर हमें एक मैच देखने के लिए मिलता है केविन ओवन वर्सेज मोजो राली। तो जैसे मैच शुरू होता है उसके बाद केविन ओवन रिंग से बाहर निकल जाते हो और रिंग के नीचे से टेबल्स चेयर्स निकाल लेते हैं। वैसे तो शुरुआत में मोजो राली को ज़्यादा अपर हैंड मिलता है। आज हमें मोजो राली के बड़े बड़े मूव्स भी देखने के लिए मिले जब उन्होंने केविन ओवन्स को दिए इस मैच में। अगर मैं इस मैच की बात करूं तो यार मैच सच में अच्छा था। जब मैच देख रहे थे ऐसा लग रहा था कि ये TLC मैच है। कई सारे चेयर्स थे और टेबल्स भी थे इस मैच में। इस मैच में एक टाइम ऐसा भी आया जब मोजो राउली ने उठाकर मार दिया टॉप रो से केविन ओवन को चेयर्स पर। नीचे काफ़ी सारी चेयर्स होती थी, वहाँ पर मुझे लगा कि जहाँ पर केविन ओवन हार सकते हैं, लेकिन वहाँ पर केविन ओवन ने किक आउट किया। उसके बाद किसी न किसी तरह से केविन ओवन उठ जाते और उसके बाद वो फिर से रिंग से बाहर जाते हैं, टेबल निकालते हैं। अगर मैच के विनर की बात करूँ तो यार इस मैच में हमें विनर देखने के लिए मिलता है केविन ओवन। जब वो लगा देते हैं स्टनर मोजो राउली को, उसके बाद पावर बॉम्ब लगा देते हैं टेबल पर। मैच को जीतने के बाद केविन ओवन कॉल करते हैं सेथ रॉलिंस एंड AOP की टीम की, मुझे उनसे एक हिसाब अपना छुट्टा करना है। उसके बाद सेथ रॉलिंस एंड AOP की टीम आती है। केविन ओवन एंड सेथ रॉलिंस फेस टू फेस होते हैं। सेथ रॉलिंस हेलो करने की कोशिश करते हैं लेकिन केविन ओवन लगा देते हैं सुपर किक। उसके बाद AOP की टीम अटैक करने लग पड़ती है। सेथ रॉलिंस अपना कर्व स्टोन देने की कोशिश करते हैं लेकिन केविन ओवन फिर से उस पर भारी पड़ जाते हैं और एंड पर जाकर अपर हैंड मिलता है सेथ रॉलिंस एंड AOP की टीम को। फिर जो सारा ही सेगमेंट खत्म हो जाता है जब सेथ रॉलिंस अपना कर्ब स्टोन लगा देते हैं केविन ओवन को। अगले मैच की बात करते हैं यार हमें एक मैच देखने के लिए मिला बॉबी लैशली वर्सेस सेट्रिक अलेक्जेंडर। अगर यार मैं मैच की बात करूं तो यार मैच सच में ये भी अच्छा था। सेट्रिक अलेक्जेंडर ने अच्छा मैच दिया और बॉबी लैशली ने भी। अगर मैच के विनर की बात करूं तो इस मैच में हमें जीते हुए दिखाई देते हैं बॉबी लैशली जब वो अपना स्पेयर लगा देते हैं सेट्रिक अलेक्जेंडर को। नेक्स्ट मैच की बात करते हैं, वह हुआ ड्रू मैकेंटायर वर्सेस जैक राइडर। हालांकि जैक राइडर के साथ कट हॉकिंस भी थे, वो रिंग से बाहर खड़कर मैच को देख रहे थे। जब मैच शुरू हुआ तो दोनों सुपरस्टार एक दूसरे को धक्का लगाने लगे और यार इस मैच में थप्पड़ भी पड़ते हुए हमें दिखाई दे जब मैच शुरू हुआ। यार इस मैच में ऐसा लग रहा था कि ड्रू मैकेंटायर बहुत ही गुस्से में है और वो गुस्से में इस मैच में लड़ रहे हैं। जैक राइडर को वो बाहर लेकर चले जाते हैं रिंग से बाहर और वहाँ पर उन्हें काफ़ी देर तक पटकते हैं। उसके बाद फिर से रिंग में लेकर आते हैं तो जहाँ पर अपर हैंड इस मैच में ज़्यादा मिलता है ड्रू मैकेंटायर को। अगर यार इस मैच के विनर की बात करूँ तो इस मैच में हमें विनर देखने के लिए मिलते हैं ड्रू मैकेंटायर जब वो अपना फिनिशर मूव लगा देते हैं क्लेमोर जैक राइडर को। उसके बाद वो फिर भी नहीं हटते, जब मैच ख़त्म हो जाता है फिर वो डीन एम्ब्रोस का DDT मूव यूज करते हैं। फिर कट हॉकिंस आ जाते हैं बचाने के लिए जैक राइडर को और ड्रू मैकेंटायर उन्हें भी नहीं बख्शते और उन्हें भी क्लेमोर किक लगा देते हैं। तो उसके बाद मैच मतलब सारा ही सेगमेंट वगैरह जो भी मैच वगैरह सारा ख़त्म हो जाता है। फिर माइक लेते हैं एक ड्रू मैकेंटायर, बोलते हैं इन दोनों सुपरस्टार से पूछते हैं कि आपको मज़ा आया। ड्रू मैकेंटायर को तो यार पहले ही सांस नहीं आ रही थी क्योंकि वो मैच अभी रेसल करके हटे थे और वो कहते हैं कि ये दोनों सुपरस्टार ये कहना चाहते हैं कि हाँ हमें मज़ा आया। और आज ड्रू मैकेंटायर का ये वाला फेस देखकर हमें जहाँ पर लगता है कि ड्रू मैकेंटायर एक मैच मांग रहे हैं और वो कहते हैं कि जो फ्यूचर 2020 का आने वाला है वो मेरा है। तो इसे हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ब्रॉक लेसनर WWE चैम्पियनशिप के लिए या कोई भी एक चैम्पियनशिप के लिए मैच मांग रहे हैं। नेक्स्ट मैच की बात करते हैं, जो हमें रो पर देखने के लिए मिला वो था टोनी नीज वर्सेस रिकोशे। तो यार ये एक सिंपल सा मैच था और इस मैच में आराम से जीते जाते हैं रिकोशे जब वो अपना फिनिशर मूव लगा देते हैं टोनी नीज को और इस मैच में हमें जीते हुए दिखाई देते हैं रिकोशे। अभी हम बात करते हैं एक सेगमेंट की जो आता है बैकी लिंच की ओर से। बैकी लिंच आती है WWE के रिंग में और वो एक प्रोमो कट करती है, अपने बारे में बताती है मैच के बारे में जो TLC में उनका हुआ था और वो उसके बाद कॉल आउट करती है ओस्का को। ओस्का भी आती है और वो अपनी लैंग्वेज में कुछ बोलती है और वो कहती है कि मेरे पास होगी 2 बेल्ट। इसका जय जी मतलब है कि बैकी लिंच वर्सेस हमें ओस्का का एक मैच देखने के लिए मिलेगा और ओस्का कहती है कि इस टाइटल को मैं जीत जाऊंगी। नेक्स्ट पेपर व्यू हो सकता है रॉयल रंबल।
तो देखो यार, WWE इन दोनों ही सुपरस्टार के बीच आगे और भी फ्यूड लेकर जाना चाहती है और हमें एक मैच देखने के लिए मिल सकता है रॉयल रंबल में रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। नेक्स्ट मैच की बात करते हैं जो हमें देखने के लिए मिला, रॉ पर द वाइकिंग राइडर्स एंड रैंडी ओटन वर्सेस द OC। तो यार इस मैच में एक ट्विस्ट आता है, तो इस मैच में हमें विनर देखने के लिए मिलता है द OC की टीम। इस मैच में रैंडी ओटन हमें थोड़ा सा इंजर्ड लग रहे थे जो उनके साथ लास्ट मंडे नाइट रॉ पर हुआ था। एजी स्टाइल अपना फिनोमिनल फॉर्म आर्म दे देते हैं रैंडी ओटन को और उसके बाद पिन कर देते हैं रैंडी ओटन को, और इस मैच में हमें द OC की टीम जीती हुई दिखाई दी। तो देखो, एजी स्टाइल वर्सेज रैंडी ओटन का शायद हमें मैच देखने के लिए मिल सकता है रॉयल रंबल पेपर व्यू में, क्योंकि जिस हिसाब से इन दोनों सुपरस्टार के बीच फ्यूड चल रही है ऐसा हमें लगता है। अभी हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट एंड फाइनल मैच की, जो था मेन इवेंट में सेथ रॉलिंस वर्सेस रे मिस्टेरियो, जो था यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए। तो यार जो आज मंडे नाइट रो हुई उसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बना दी थी, जो आज जो रो आई है वो पहले ही टेप्ड हो चुकी थी और आज हमें लाइव देखने के लिए मिली। बात करते इस मैच की, तो यार मैच अच्छा खासा चल रहा था, दोनों ही सुपरस्टार अच्छा रेसल कर रहे थे। एक टाइम ऐसा भी आया जब रे मिस्टेरियो ने अपना 619 लगाया सेथ रॉलिंस को, उसके बाद वो अपना फिनिशर मूव देने वाले से टॉप रो से फिर AOP की टीम ने अटैक कर दिया। वैसे यार सेथ रॉलिंस के पास अच्छा चांस था न्यू यूनाइटेड स्टेट चैंपियन बनने का, लेकिन यहाँ पर AOP टीम ने अटैक कर दिया और ये मैच हो गया डिस्क्वालीफाइड। अटैक करने के बाद वो फिर रिंग से बाहर लेकर चले गए उन्हें घसीटते हुए अनाउंसमेंट टेबल की, और वहाँ पर समोआ जो भी बैठे हुए थे, AOP की टीम अटैक करने की कोशिश करती है समोआ जो पर, लेकिन सेथ रॉलिंस उन्हें रोक लेते हैं और वो बोलते हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है तुम्हारे साथ, तुम साइड हो जाओ। लेकिन समोआ जो तो पहले तैयार हो चुके थे रेसल करने के लिए और सेथ रॉलिंस ने इजाज़त दे दी AOP की टीम को और वो अटैक करने लग पड़े समोआ जो पर, और AOP की टीम पावर बॉम्ब दे देती है अनाउंसमेंट टेबल पर समोआ जो को। उसके बाद सेथ रॉलिंस अपना कर्ब स्टोन लगाती है रे मिस्टेरियो पर, तो जहाँ से सारा सेगमेंट और मैच खत्म हो जाता है। तो वैसे आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी आज की मंडे नाइट रो, और यार सेथ रॉलिंस के पास एक और मौका था न्यू यूनाइटेड स्टेट चैंपियन बनने का, तो WWE जैसा चाहेगी वैसा ही होगा। सो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक भी कर देना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।